एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जून न्यूज़ में सॉन्ग को वही सैंडल्स पहने हुए देखता है, जहाँ ये बात वो जेंग को भी बताता है। जेंग उसे कहते हैं कि फिर तो उसे उसकी मदद करने जाना चाहिए, लेकिन जून कहता है कि वो यहाँ 4 साल से है और उसके साथ जितने भी हादसे हुए हैं वो उन्हें कभी भुला नहीं पाया। जिसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि सॉन्ग जून को अपने घर ले जाती है, जहाँ उसे देखकर डैड काफ़ी शॉक हो जाते हैं। फिर सॉन्ग जून को अपने मॉम डैड से मिलवाती है, वो कहती है कि जून ने ही उसकी जान बचाई है। फिर वो लोग जून को डिनर करवाते हैं, लेकिन आधी रात को हम देखते हैं कि जब सॉन्ग सो रही होती है तो कोई उसका गला दबाने लगता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम ही होती है। उसकी मॉम कहती है कि उन्हें उसकी वजह से बहुत बेइज्जती सहनी पड़ रही है, इसीलिए अच्छा यही होगा कि वो मर जाए। जहाँ ये बात बाहर खड़े उसके डैड भी सुन रहे होते हैं। उसकी मॉम डैड के जाने के बाद उसका गला छोड़ देती है और फिर उसे समझाती है कि वो घर से कहीं भाग जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ रुकेगी तो मारी जाएगी। सॉन्ग पूछती है कि आखिर उसका कसूर क्या है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि वो आज किसी अनजान लड़के के साथ वहाँ आई है और गाँव में सब लोग उनकी बेइज्जती करेंगे, जिसके बाद उसके डैड ये सह नहीं पाएंगे और उसे मार देंगे। उसकी मॉम उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर सॉन्ग पूछती है कि वो लड़का कहाँ है और वो ठीक तो है ना। लेकिन हम जून को देखते हैं जिसे वहाँ के लोगों ने बंदी बना लिया होता है, और जब सॉन्ग के डैड उसे देखने जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि जहर वाला खाना खाने के बाद भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जून उस हालत में बाहर अपने UFO को धरती से जाते हुए देख रहा था। अब सीन प्रेजेंट में आता है। जून कहता है वो दिन उसके लिए बहुत ही बुरा दिन था। जैंग कहते हैं कि तुम दोनों की उम्र जैसे बढ़ेगी तब तब तुम्हारे सामने ज्यादा परेशानियां आती जाएंगी, तो क्या अब भी वो सॉन्ग की मदद नहीं करेगा। लेकिन जून कुछ नहीं कहता। आगे हम देखते हैं कि जून घर बैठकर न्यूज देख रहा होता है, जिसमें सॉन्ग के बचपन से लेकर उसकी यंग एज तक की एक्टिंग और करियर के बारे में बताया जा रहा था, जहां सॉन्ग अपने प्यार के बारे में भी कन्फेस कर रही होती है। वो बताती है कि उसकी जिंदगी इतने लड़के आए लेकिन उसे किसी से भी प्यार नहीं हुआ, लेकिन हाँ बचपन में किसी लड़के ने उसकी जान बचाई थी। जहाँ जून को याद आता है कि उसने ही सॉन्ग की जान बचाई थी। सॉन्ग बताती है कि वो उसे आंखों में आंखें डालकर देखते ही रह गई, और अगर आज वो इंसान फिर से उससे मिलता है तो उसे फिर से प्यार हो जाएगा। उसके बाद 60 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जून साइकिल से कहीं जा रहा होता है। तभी रास्ते में वो देखता है कि रिवर के किनारे किसी की लापता लाश की तलाश हो रही है। रिपोर्टर बता रहा था कि 3 दिन पहले वहाँ एक क्रूज शिप से एक लड़की गायब हो गई थी। फिर उन्हें लाश मिलती है, जहाँ जून उसके पैरों में वही सिल्वर सैंडल्स देखता है। इधर एक पुलिस ऑफिसर को लग रहा था कि ये मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड केस है, जहाँ हमें उसकी बातों से पता चलता है कि क्रूज शिप में योरा की डेथ हुई थी। वहाँ एक ऑफिसर बताता है कि इस केस को एक नया ऑफिसर देख रहा है और ये उसका पहला केस है। फिर वहाँ नए ऑफिसर की एंट्री होती है, जहाँ वो नए ऑफिसर से कहता है कि ये केस को बंद कर देना चाहिए क्योंकि बॉडी पर एक भी खरोच नहीं है और इससे प्रूफ हो गया है कि ये सुसाइड ही है। लेकिन वो नया ऑफिसर कहता है कि उन्हें एक बार CCTV देखनी चाहिए। उसके बाद सॉन्ग पार्टी में अपने फ्रेंड के साथ डिनर कर रही होती है, जहाँ उसके पास योरा का पर्स होता है जिसे योरा कहीं भूल गई थी, इसीलिए सॉन्ग उसे बाद में लौटाने के लिए अपने पर्स में रख देती है। कुछ देर बाद शिप में आतिशबाजी शुरू हो जाती है, जहाँ सैमी योंग के साथ ड्रिंक कर रही होती है। वो देखती है कि सॉन्ग बहुत ही नशे में है। तभी अचानक शिप जोर जोर से हिलने लगती है और वापस वो सॉन्ग को देखती है, तो सॉन्ग वहाँ थी ही नहीं। फिर पार्टी के बाद शिप फिर से लौटती है, जहाँ सारे सेलिब्रिटीज एक एक करके उतर रहे होते हैं। वहीं मिंजी और मिन्हा सॉन्ग का वेट कर रहे होते। समी आकर उन्हें बताती है कि सॉन्ग और योरा दोनों ही गायब है और कहीं नहीं मिल रहे। इधर योंग शिप में सॉन्ग को एक रूम में सोते हुए देखता है और उसे बाहर लेके आता है, जिसे CCTV में दोनों ऑफिसर देख रहे थे। ऑफिसर बता रहे थे कि मौत से पहले योरा किसी से बहस कर रही होती है और 1 घंटे बाद ही योरा गायब हो गई, और लोगों का कहना है कि सॉन्ग और योरा हमेशा झगड़ते रहते थे, इसीलिए सॉन्ग ने ही योरा को मारा है। फिर न्यूज रिपोर्टर बता रहा होता है कि कुछ दिन पहले जो एक्ट्रेस गायब हुई थी वो योरा ही थी और उसे सॉन्ग ने ही मारा है, जिसे योंग देखकर गुस्सा होने लगता है और गुस्सा होकर ऑफिस में चीजें फेंकने लगता है। इधर डायरेक्टर सॉन्ग को फोन लगा रहा होता है, लेकिन वो फोन अटेंड नहीं कर रही थी, जिसके बाद डायरेक्टर मिंजी को सॉन्ग के पास जाने के लिए कहता है और उसे प्रेस से दूर रहने के लिए कहता है। मिंजी सॉन्ग के घर के नीचे जाता है और देखता है कि वहाँ प्रेस की भीड़ लगी थी। फिर वो सॉन्ग को फोन करता है और पार्किंग में जाने के लिए कहता है। सॉन्ग इसकी वजह पूछती है तो वो बताता है कि योरा मर चुकी है। ये जानकर सॉन्ग काफी शॉक हो जाती है। फिर मिंजी उसे तुरंत वहाँ से कहीं जाने के लिए कहता है, लेकिन सॉन्ग देखती है कि लिफ्ट से कोई ऊपर आ रहा है। मिंजी उसे फोन पर फिर से अपने रूम में जाने के लिए कहता है, जहाँ सॉन्ग भागते भागते एक बार रुकती है और मिंजी से पूछती है कि वो क्यों भाग रही है। मिंजी कहता है कि अभी उसके पास कोई जवाब नहीं है, उसे बस सबसे बचकर रहना है। जिसके बाद सॉन्ग अपने घर का पासवर्ड खोलने लगती है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो पासवर्ड भूल जाती है और डोर लॉक हो जाता है। तभी जून बाहर आता है, जहाँ सॉन्ग जल्दी से उसे घर में ले जाती है और रिपोर्टर्स भी ऊपर आ जाते हैं। जून सॉन्ग से पूछता है कि बाहर रिपोर्टर्स क्यों इकट्ठे हो रहे हैं।
जिस पर सॉन्ग कहती है कि वो अभी मुसीबत में है और उसे जुन से मदद चाहिए। लेकिन जुन सॉन्ग को हटाकर बाहर देखने जाता है और इतने सारे रिपोर्टर्स को देखकर वहां से चला जाता है। फिर मिनजी सॉन्ग को फोन पर बताता है कि सबको लग रहा है कि योरा को सॉन्ग ने मारा है, लेकिन सॉन्ग कहती है कि माना वो उससे हमेशा झगड़ा करती थी लेकिन उसने योरा को नहीं मारा है। मिनजी उसे कुछ दिन सबके सामने आने से मना करता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग जुन के घर सोफे पर लेटी थी, तभी जुन को आता देख वो बैठ जाती है। फिर जुन उसे कुछ स्नैक्स देते हुए वहां से सोने चला जाता है। कुछ देर बाद सॉन्ग उसे डिनर के लिए बुलाने आती है लेकिन वो उसे मना कर देता है, जिसके बाद सॉन्ग अकेले खाना खाती है। फिर सॉन्ग अपने आप से बातें करने लगती है जिसकी वजह से जुन को नींद नहीं आती। फिर सॉन्ग वॉशरूम ढूंढते हुए लाइब्रेरी पहुंच जाती है, जिसमें उसे एक डायरी दिखती है और उसमें लिखा था कि जमीन पर आखिरी 3 महीने का रिकॉर्ड। तभी अचानक पीछे जुन आ जाता है, जिसे देखकर सॉन्ग डर जाती है और कहती है कि वो वॉशरूम ढूंढते हुए गलती से यहाँ आ गई। जुन उसका हाथ पकड़कर नीचे ले जाता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है, जिस पर सॉन्ग कहती है कि अगर वो वहां से बाहर गई और बाहर खड़े रिपोर्टर्स को बता दिया कि वो उसका बीएफ है तो सोचो उसके साथ क्या होगा, जिसकी वजह से जुन डर जाता है। फिर सॉन्ग कहती है कि जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल तब वो वहीं रहेगी, जहां जुन को भी उसकी बात माननी पड़ती है। जहां दूसरी तरफ जैको का गार्ड उसे आकर बताता है कि योरा की फैमिली मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसने सुसाइड किया है और उसके कंप्यूटर में कुछ वीडियोस हैं जो इस केस को सुलझाने में काम आएंगे। वो बताता है कि उसने वो कंप्यूटर चेक किया, जिसमें उसे पता चला है कि वो वीडियोस कहीं और भी कॉपी की गई है और हो सकता है कि वो योरा के क्रश में हो। जहाँ जैको उसे क्लच के बारे में पता लगाने के लिए सीसीटीवी चेक करने के लिए कहता है, तभी योंग भी वहाँ आता है और अपने भाई को कहता है कि सॉन्ग ने मर्डर नहीं किया है, उसे फंसाया जा रहा है। जैको कहता है कि वो परेशान ना हो, वो कोई रास्ता निकाल लेगा। इधर सॉन्ग आराम से टीवी देख रही होती है, तभी जुन वहाँ आता है और उसे पूछता है कि योरा ने सुसाइड क्यों किया होगा, जिस पर सॉन्ग कहती है कि तुमने योरा को सैलून में बहस करते हुए देखा है, वो किसी को मार सकती है लेकिन सुसाइड नहीं कर सकती। सॉन्ग रोने लगती है और कहती है कि उसने योरा को नहीं मारा, बल्कि योरा खुद अपनी शादी को लेकर इतनी खुश थी। जुन सॉन्ग से पूछता है कि उसने आखिरी बार योरा को किसके साथ देखा था, जहां सॉन्ग बताती है कि उसने आखिरी बार योरा को जैको के साथ बात करते हुए देखा था। वो उसे कह रही थी कि वो बाहर सबको बता देगी कि वो जैको से प्यार करती है। तभी योरा उसके पास आती है और कहती है कि वो आज सबको बता देगी कि वो लोग जल्दी शादी भी करने वाले हैं। जहां सॉन्ग उससे पूछती है कि जैको भी उससे शादी करना चाहता है, योरा कहती है कि वो बस उसे मजबूरी में शादी कर रहा है क्योंकि उसे उसकी कोई ऐसी बात पता है जो कि किसी को भी नहीं पता। जहां सॉन्ग उसे वो बात के बारे में पूछती है लेकिन योरा उसे कुछ भी नहीं बताती, जिसके बाद उन दोनों में फिर से बहस हो जाती है और योरा जल्दी में अपना क्लच वहीं भूल जाती है। सीन प्रेजेंट में आता है जहां सॉन्ग जुन से कहती है कि उसके बाद वो उससे नहीं मिली। साथ ही सॉन्ग उसे बताती है कि उस रात उसे कुछ अजीब लगा, उसकी तबीयत खराब हो गई इसीलिए वो सो गई, लेकिन एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे कि जुन उसके साथ है। जहां दूसरी तरफ ऑफिसर सीसीटीवी में देख लेते हैं कि जुन एक पल के लिए वहां सच में आया था और शिप हिलते ही वो और सॉन्ग कहीं गायब हो गए। सॉन्ग कहती है कि क्या जुन सच में वहां पर आया था, लेकिन जुन बताता है कि वो वहां कैसे आ सकता है। सॉन्ग को मानना पड़ता है कि शायद वो उसका भ्रम होगा, लेकिन हम देखते हैं कि जुन सच में उस रात शिप पर गया था और उसने सॉन्ग को नशे में देखा था। फिर जब शिप हिलने लगती है तो जुन सॉन्ग को लेके कमरे में ले जाता है और बेड पर लिटा देता है। तभी सॉन्ग उसका हाथ पकड़ लेती है और उन दोनों के बीच किस हो जाती है। सॉन्ग जुन को किस करने के बाद अपनी आंखें खोलकर कहती है कि वो रोज उसके सपने में आता है, इसीलिए अब वो उसे खुद से दूर नहीं जाने देगी और वो उसे बहुत प्यार भी करती है। फिर जुन के शोल्डर पर सर रख देती है। सॉन्ग को सुलाकर जुन बाहर आ जाता है, जहां उसकी नजर जैको पर जाती है। जैको किसी से बात कर रहा था कि वो ये सब नहीं करना चाहता था लेकिन उसे मजबूरी में करना पड़ा। तभी जैको की नजर अचानक जुन पर पड़ती है, लेकिन जुन अचानक से वहां से गायब हो जाता है और अपने घर आ जाता है, जहां वो सीढ़ियों से गिर जाता है। फिर जुन सॉन्ग के साथ अपने घर में होता है, जहां जुन सॉन्ग से पूछता है कि क्या वो उसके ख्वाब में आता है, जिस पर सॉन्ग हंसते हुए कहती है कि वो भला उसे क्यों देखेगी। फिर सॉन्ग टीवी में न्यूज देखने लगती है, जहां न्यूज में बताया जा रहा था कि वहां आसमान में कुछ यूएफओ दिखाई दिए हैं। जहां हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि गांव के कुछ लोगों को पता चल जाता है कि सॉन्ग अपने पेरेंट्स के घर छुपी है। फिर वो लोग सॉन्ग के घर पर पहुंच जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। जहाँ सॉन्ग की मॉम उसके डैड को बताती है कि उसने सॉन्ग को नहीं मारा है और उन दोनों को वहां से भगा दिया है। सॉन्ग जुन को उठा रही थी लेकिन वो नहीं उठ रहा था, जिसके बाद सॉन्ग के डैड उन दोनों के साथ फाइटिंग करते हैं, जिसमें उसके डैड मारे जाते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है और सॉन्ग एलियंस के बारे में देखकर कहने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं होता और ये सब बकवास है। इस पर जुन कहने लगता है कि उसे एलियंस के बारे में पता ही क्या है, वो इंसानों से कई ज्यादा ताकतवर और स्मार्ट होते हैं। जुन की ये बातें सुनकर सॉन्ग कहती है कि वो एलियंस की इतनी तरफदारी क्यों कर रहा है, क्या वो खुद एलियंस या कोई जादूगर है। जुन कहता है कि नहीं, फिर सॉन्ग उसे चुप बैठने के लिए कहती है। उसके बाद सॉन्ग और जुन बैल्कनी में होते हैं। सॉन्ग बाहर लगे अपने पोस्टर्स को देखकर जुन को अपनी कामयाबी और फेमस होने की स्टोरी बताती है, जहां जुन भी उसे अच्छी लाइफ जीने की टिप्स देता है। सॉन्ग कहती है कि उसे जुन के साथ रहकर सुकून
सुकून मिलता है। वो उसे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, लेकिन जुन कहता है कि बेहतर यही होगा कि वो उसे ना जाने। सॉन्ग कहती है कि वो अकेली नहीं है क्योंकि उसके साथ जुन है। ये कहकर वो जुन के कंधों पर हाथ रखती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि सब देखो, सॉन्ग यहाँ है। और आज वो बहुत खुश है, जहाँ जुन उसे अपने से दूर रहने के लिए कहता है और वो दूर हो जाती है। इधर सॉन्ग के फ्लैट के बाहर योंग रिपोर्टर्स के लिए खाने की चीजें मंगाता है और उन्हें ये बात मानने के लिए कह रहा होता है कि सॉन्ग ने योरा को नहीं मारा, लेकिन रिपोर्टर्स कहता है कि उन्हें न्यूज के लिए कोई ना कोई मुद्दा तो उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो उनका कारोबार बंद हो जाएगा, जहाँ सॉन्ग भी उन्हें कैमरा में देख रही होती है। फिर जब सॉन्ग सोने जा रही होती है तो फिर से जुन से उस डायरी में लिखी बात के बारे में पूछने लगती है कि क्या वो कहीं जाने वाला है, लेकिन जुन उसे कोई सवाल करने के लिए मना कर देता है। अब रात को सॉन्ग सोफे पर बुक पढ़ते हुए सो गई थी, तभी जुन वहाँ आता है और उसके फेस से बुक हटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। आगे हम देख पाते हैं कि देर रात को आकर योरा के घर एक बुक में लेटर छोड़ जाता है, जिसे अगले दिन योरा की बहन पढ़कर रोने लगती है। इधर योंग अपने घर आता है, जहाँ वो जैकू को बताता है कि सॉन्ग ने योरा को नहीं मारा है। इस पर जैकू उसे डांटने लगता है कि उसने उसे सॉन्ग के घर जाने से मना किया था, फिर भी वो क्यों गया। वहीं योंग के मॉम डैड उसकी बातें सुनकर सॉन्ग की इतनी तरफदारी करने के लिए डांटने लगते हैं। अगली सुबह जून जब हॉल में आता है तो देखता है कि सॉन्ग ने बहुत कचरा फैला रखा होता है। वो अपने हाथ पैर ऊपर करके एक्सरसाइज कर रही होती है, जहाँ जुन उसके नीचे से पिलो ले लेता है और वो दोनों झगड़ने लगते हैं। जुन सॉन्ग के ऊपर चढ़ जाता है, तभी वहाँ जैंग आकर उन्हें ऐसे पोजीशन में देख लेते हैं और फिर से जाने लगते हैं। जुन सॉन्ग के ऊपर से उठकर उन्हें रोकता है, फिर जैंग उसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि शायद उन्हें डोरबेल बजाकर आना चाहिए था, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि जुन किसी और के साथ होगा और वो भी चिन सॉन्ग के साथ। सॉन्ग उठ जाती है और जैंग को अपना इंट्रोडक्शन देती है। सॉन्ग जैंग को जुन के डैड समझ लेती है और फिर उसकी नजर जैंग के लाए हुए खाने पर पड़ती है, जहाँ सॉन्ग जुन के हाथ पकड़ उसे साथ खाना खाने कहती है। जुन कहता है कि वो ऐसे किसी के भी साथ खाना नहीं खाता। सॉन्ग कहती है कि अपने डैड के साथ खाना खाने में कैसी दिक्कत है। फिर वो लोग खाना खाते हैं, जहाँ जुन फिश को पलट कर खाने लगता है। सॉन्ग उसे रोक कर कहने लगती है कि इसे पलट कर खाने से बदहजमी होती है। जुन पूछता है कि ये बात उसे किसने बताई, जिस पर सॉन्ग कहती है कि उसके डैड ने बताई थी। इधर डिटेक्टिव कुछ फोटोज देख रहा होता है, तभी वो ऑफिसर आता है और उसे वो लेटर दिखाता है, जिससे पता चलता है कि योरा ने मरने से पहले वो लेटर लिखा था और वो एक सुसाइड ही है। फिर वो योरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देता है, जिसमें लिखा था कि योरा ड्रग्स लेती थी और वो काफी टाइम से डिप्रेशन में भी थी, लेकिन डिटेक्टिव मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो और इन्वेस्टिगेशन चाहता था। उसके बाद जैकू का ड्राइवर उसे बताता है कि योरा का केस को नया ऑफिसर हैंडल कर रहा है और वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि योरा ने सुसाइड किया है। उसके बाद डिटेक्टिव अपनी मॉम के साथ अपने घर में डिनर कर रहा होता है और वहाँ में पता चलता है कि वो सेमी का भाई है। इधर दोनों डिटेक्टिव उस सैलून में जाते हैं और वहाँ के लोगों से पूछताछ करते हैं। वो लोग उस दिन का सीसीटीवी दिखाते हैं, जिसमें जुन था। उसके बाद जुन और जैंग सॉन्ग के लिए चीजें खरीदने जाते हैं, जहाँ जैंग जुन को मुस्कुराते हुए कह रहे होते हैं कि आजकल वो और सॉन्ग काफी करीब आने लगे हैं। जुन कहता है कि वो सॉन्ग के बारे में कुछ नहीं सोचता और ना ही वो उससे कोई ताल्लुक रखना चाहता है। फिर जुन साइकिल से घर जा रहा होता है, जहाँ पर रास्ते में वो लोगों को सॉन्ग का पोस्टर हटाते हुए देखता है और घर के बाहर भी सारे रिपोर्टर्स जाने लगे थे। अंदर आने के बाद सॉन्ग जुन से पूछती है कि क्या रिपोर्टर्स अभी भी बाहर है, जहाँ जुन हाँ में जवाब देता है। फिर सॉन्ग उसे कहती है कि उसे बालकनी में जाना है, लेकिन जुन उसे रोकने की कोशिश करता है और फिर भी जब सॉन्ग उसकी बात नहीं मानती तो जुन वास गिरा देता है। तभी सॉन्ग को मिंजी का फोन आता है, तभी मिंजी उसे खबर देता है कि योरा की बहन को सॉन्ग के खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं और रिपोर्टर्स अब सॉन्ग पर सारा इल्जाम लगा रहे हैं। सॉन्ग उसे कुछ नहीं कहती और फोन रख देती है और तुरंत बाहर जाके सबको सच बताने का डिसाइड करती है कि वो बेकसूर है। जुन उसे रोकने लगता है। सॉन्ग देखती है कि वो उन टूटे कांच पर खड़ी थी, जिसकी वजह से उसके पैरों में चोट आ जाती है। जुन उसे गोद में उठाकर सोफे पर बिठाता है और फिर मेडिकल स्टोर से कुछ सामान लाता है और उसका जख्म साफ करके उस पर दवाई लगाकर पट्टी बांध देता है। सॉन्ग उसे देखने लगती है और थैंक्स बोलती है। फिर जुन उसे बताता है कि रिपोर्टर्स वहाँ से चले गए हैं, जिसके बाद सॉन्ग भी वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग के जाने के बाद जुन घर साफ करता है और पूरे घर में उसी को मिस करता है। फिर खाना खाते समय वो फिश नहीं पलटता है और बालकनी में जाकर देखता है कि सॉन्ग का पोस्टर निकाला जा चुका है। फिर अपने आप से कहने लगता है कि वो इतना क्यों सोच रहा है। इधर सॉन्ग का भाई पुलिस स्टेशन में था, क्योंकि उसने उसके क्लास के स्टूडेंट्स के साथ फाइट की थी। तभी योंग आकर उसे वहां से चुरा कर ले जाता है और वो दोनों सॉन्ग की मॉम के घर जाते हैं और डिनर करते हैं। सॉन्ग के भाई के जाने के बाद उसकी मॉम योंग का हाथ पकड़ के उसे सॉन्ग के मुश्किल समय में साथ देने के लिए प्रॉमिस मांगती है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग डायरेक्टर से मिलने आती है।
जहाँ वो डायरेक्टर को अपने बारे में भला बुरा कहते हुए सुन लेती है। फिर अंदर जाकर सॉन्ग डायरेक्टर से कहती है कि उसने आज का कॉमर्शियल शूट कैंसिल कर दिया है। अच्छा हुआ, वैसे भी उनके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं थे और वो खुद भी ये ऐड करना नहीं चाहती थी। सॉन्ग हर जगह अपने शूट को कैंसिल ही कर रही होती है। इधर जैकू को एक फोटो मिली थी जिसमें सॉन्ग योरा का क्लश अपने पर्स में रख रही थी। उसके बाद हम सेमी और सॉन्ग को रेस्टोरेंट में देखते हैं। तभी सेमी को डायरेक्टर का मैसेज आता है जिसमें उन्होंने सॉन्ग की जगह सेमी को लीड रोल करने के लिए कह रहा होता है और उसे तुरंत ऑफिस बुलाता है। समी को देखकर सॉन्ग कहती है कि सब ठीक तो है, जिस पर समी कहती है कि उसकी मॉम सीढ़ी से नीचे गिर गई है इसीलिए उसे जाना होगा। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग अपने घर पर होती है, तभी उसे जैकू का फोन आता है। वो कहता है कि वो उसके पास से गुजर रहा था तो उसने सोचा कि वो उसे मिलते हुए जाए और उसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। फिर जैकू सॉन्ग से मिलने उसकी बिल्डिंग में जा रहा होता है जहाँ जुन भी उसे देख लेता है। लेकिन तभी ऑफिसर वहाँ जाता है और जुन से योरा के मौत के बारे में पूछने लगता है और तब तक जैकू वहाँ से चला जाता है। इधर जुन और ऑफिसर ट्रैफिक जैम में फंसे होते हैं और दूसरी तरफ जैकू सॉन्ग के पास जा रहा था। तभी जुन आंखें बंद करता है और उसे याद आता है कि जैकू वही है जिसे उसने क्रूज पर देखा था। फिर सॉन्ग जैकू को घर के अंदर बुलाती है और जुन अचानक कार से बाहर निकलकर भागने लगता है और पुलिस ऑफिसर भी उसके पीछे पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं। भागते हुए जुन को पास्ट की बातें याद आती है जिसमें वो सॉन्ग के पीछे भाग रहा था। सॉन्ग रुक जाती है। जुन कहता है कि वो उसे अकेले नहीं छोड़ सकता। वो अपना हाथ आगे करते हुए उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है। प्रेजेंट में भी जुन सॉन्ग को बचाने के लिए भाग रहा था। तभी ऑफिसर के सामने एक गाड़ी आ जाती है और पलक झपकते ही जुन गायब हो जाता है और बिल्डिंग में ऊपर से नीचे घिरकर जाता है, जहां सिक्योरिटी वाले जुन को देखकर रोकने लगते हैं। फिर सॉन्ग जब जैकू के लिए कॉफी बना रही होती है तो वो मौका देखकर उसके क्लोजेट में जाके उसके पर्स में से योरा का क्लच ढूंढने लगता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। तभी सॉन्ग भी वहां जाती है। फिर वो लोग हॉल में बैठकर कॉफी पीते हैं, जहां जैकू सॉन्ग से पूछता है कि वो ठीक तो है। सॉन्ग कहती है कि उसे क्या होगा, जिस पर जैकू कहता है कि उसे लगा कि योरा के मौत के बाद सॉन्ग परेशान हो रही होगी, लेकिन सॉन्ग कहती है कि वो एकदम ठीक है। फिर सॉन्ग जैकू से पूछती है कि वो तो ठीक है ना, क्योंकि उसने शादी वाले दिन उसे और योरा को वॉशरूम के बाहर बात करते हुए सुना था। जैकू पूछता है कि क्या उसने उनकी सारी बातें सुन ली। सॉन्ग कहती है कि हाँ, उसने उसकी सारी बातें सुन ली। जैकू से पूछता है कि उसने किसी को बताया तो नहीं, जहाँ सॉन्ग ना में जवाब देती है। फिर जैकू सॉन्ग से उसकी इंसोमिया वाली बीमारी के बारे में पूछता है। सॉन्ग कहती है कि फिलहाल तो वो मेडिसिन ले रही है। जैकू कहता है कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। कुछ देर बाद योंग भी सॉन्ग के घर आता है और बाहर पड़े शूज देखकर उसे पूछने लगता है कि क्या फिर से वहाँ उसका कोई पड़ोसी आया है। सॉन्ग उसका गाल खींचते हुए कहती है कि जैकू वहाँ आया है। योंग अपने भाई को वहाँ देखकर उसे कहता है कि माना वो उसका भाई है, लेकिन उसका सॉन्ग के घर आना पसंद नहीं है। जैकू कहता है कि वो तो बस सॉन्ग का हाल पूछने आ गया था और फिर वहाँ से चला जाता है। इधर जुन सिक्योरिटी ऑफिस से निकलते वक्त जैकू को लिफ्ट में जाते हुए देखता है। फिर जुन सॉन्ग के घर पहुँचता है जहाँ डोर योंग खोलता है। जुन उससे सॉन्ग के बारे में पूछता है, लेकिन योंग के नहीं बताने पर वो उसे साइड में धक्का देकर अंदर चला जाता है और योंग बाहर ही रह जाता है और डोर नॉक करने लगता है। तभी सॉन्ग पीछे से आती है और जुन को देखकर वहाँ आने का रीजन पूछती है, जिस पर जुन से पूछता है कि वो ठीक तो है। सॉन्ग कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर जुन से पूछता है कि कुछ देर पहले उसे मिलने कौन आया था। सॉन्ग बताती है कि जिसे वो बाहर छोड़ आया है वो उसी का भाई था। जुन सॉन्ग को घर में किसी को भी आने देने के लिए डांटने लगता है, जिस पर सॉन्ग कहती है कि फिर तो जुन को भी घर में नहीं आना चाहिए। सॉन्ग उसे ढकेलते हुए बाहर भेज देती है, जहाँ बाहर योंग सॉन्ग से पूछता है कि वो ठीक तो है, इसने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की। जिस पर जुन कहता है कि क्या उसने सबको अपने जैसा समझ रखा है। और फिर वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। सॉन्ग दोनों से इरिटेट होकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। बाहर जाकर योंग जुन से कहता है कि वो सॉन्ग से प्यार करता है। जुन उसे पूछता है कि क्या सॉन्ग भी उससे प्यार करती है। जिस पर योंग कहता है कि अभी तक तो उसने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन जल्द ही वो समझ जाएगी। पर वो जुन को सॉन्ग से दूर रहने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद जुन कहता है कि सॉन्ग उसके घर कोई चीज भूल गई थी, इसीलिए वो उसे लौटाने उसके घर आया था। इतना कहकर जुन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सॉन्ग योरा का क्लच लौटाने उसके घर के बाहर जाती है, लेकिन बाहर सारे लोग उसके कार पर अंडे फेंकने लगते हैं। मिंजी वहाँ आकर उसे बताता है कि योरा की फैमिली उसे नहीं मिलना चाहती है और उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। फिर सॉन्ग ऑफिस पहुँचती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी मॉम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए डायरेक्टर से झगड़ रही थी। फिर सॉन्ग वहाँ जाती है और डायरेक्टर से कहती है कि अब वो कुछ दिन ब्रेक चाहती है और जब तक उस पर से सारे इल्जाम नहीं हट जाते वो काम नहीं करेगी और उन्हें जितना भी नुकसान हुआ है सब पे कर देगी। इतना कहकर सॉन्ग वहाँ से चली जाती है और मिंजी को भी अब फॉलो करने के लिए मना करती है। सॉन्ग बाहर जा रही थी और उसकी मॉम उसके पीछे आ रही थी, जहाँ रास्ते में उसे समी और उसकी मॉम मिलते हैं। सॉन्ग की मॉम के पूछने पर समी की मॉम बताती है कि डायरेक्टर ने सॉन्ग की जगह समी को कास्ट कर लिया है, लेकिन समी उनकी बात काट देती है और कहती है कि वो रोल नहीं करेगी क्योंकि वो अपनी बेस्टी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन सॉन्ग उसे समझाती है कि उसके जाने के बाद किसी को तो उसका रोल करना ही होगा और वो समी के लिए खुश है। इतना कहकर सॉन्ग वहाँ से चली जाती है।
घर आने के बाद सॉन्ग को डोर पर गिफ्ट मिलता है और जब सॉन्ग उसे खोलती है तो देखती है कि योरा की फोटो पर खून लगा है, जिससे सॉन्ग डर कर जुन का डोर नॉक करती है। सॉन्ग उसे फोन लगाने लगती है लेकिन उसे याद आता है कि जुन के पास फोन नहीं है। इधर ऑफिसर को जुन का हर जगह से ऐसे गायब हो जाना अजीब लग रहा था। जुन जैंग के साथ फिश पकड़ रहा था, जहां जैंग जुन की खरीदी हुई प्रॉपर्टी के पेपर्स निकालता है और उसे पूछता है कि उसने इतनी सारी जमीन कैसे खरीद ली। जुन बताता है कि वो यहां 400 साल से है और जब वो यहां पहली बार आया था तो उसने रियल स्टेट में काम किया था और हर जगह जमीन खरीद ली। जुन जैंग से कहता है कि उसके जाने से पहले जैंग उसकी सारी जमीन बेच दे, ये काम थोड़ा मुश्किल है लेकिन वो कर सकते हैं। जैंग जुन से कहते हैं कि इसका मतलब वो वापसी की तैयारी कर रहा है। जुन कहता है कि वो 400 साल से इंतजार कर रहा है और जाने से पहले वो सारी यादें मिटा देना चाहता है। फिर घर पहुंचने के बाद जुन को डोर पर सॉन्ग का नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि सेलफोन ले लो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। इधर हम देखते हैं कि जुन सॉन्ग के डोर पर नोट छोड़ कर गया था जिसमें लिखा था कि उसे आज शाम टेस्ट देने जाना है। फिर सॉन्ग अंदर आती है जहां फोन पर उसे योंग का मैसेज आता है और वो उसे आज रात मिलने के लिए बुलाता है। फिर सॉन्ग कॉलेज जाने के लिए अपनी कार निकालती है और कॉलेज पहुंच जाती है। जुन सॉन्ग के क्लास में वेट कर रहा था तभी पीछे से एक रिपोर्टर आकर सॉन्ग की गाड़ी को टक्कर मार देता है। सॉन्ग को याद आता है कि ये तो वही रिपोर्टर है और वो अपना चेहरा छुपाकर जाने लगती है, लेकिन देखते ही देखते वहां पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि वो बाहर नहीं आई तो डोर तोड़ना पड़ेगा। जहां जुन क्लास में अपने सुनने की पावर से पता लगा लेता है कि सॉन्ग मुसीबत में है और तुरंत वहां पहुंच जाता है। रिपोर्टर के पूछने पर जुन बताता है कि वो सॉन्ग का लॉयर है। फिर जुन रिपोर्टर से बात करके सॉन्ग को उस सिचुएशन से भी बाहर निकाल लेता है और फिर सॉन्ग को कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, इसीलिए उसे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सॉन्ग बाहर आकर जुन का हाथ पकड़ कर वहां से निकल जाती है और हम देखते हैं कि सबके कैमरास एक साथ खराब हो जाते हैं। जुन सॉन्ग को वहां से म्यूजियम में लेकर जाता है जहाँ सॉन्ग उस पेन को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इधर डिटेक्टिव जब सो रहा था तो सैमी उसके रूम में जाकर डेस्क पर रखी जुन की फोटो देख लेती है और उसे याद आता है कि क्रिसमस वाले दिन बचपन में जब सॉन्ग का एक्सीडेंट होने वाला था तब सैमी भी वहां से गुजर रही होती है और उसी लड़के ने सॉन्ग की जान बचाई थी। वहीं सैमी ने उसका फोटो भी क्लिक कर लिया था। सैमी फौरन अपने रूम में जाकर उस फोटो को ढूंढ कर देखने लगती है जहां दोनों फोटो में एक ही शख्स था। उसके बाद सॉन्ग जुन से लिफ्ट लेके जा रही होती है। सॉन्ग उसे पूछती है कि अब तो कॉलेज में 3 महीने की छुट्टी है तो वो क्या करेगा, इससे अच्छा है वो सॉन्ग का मैनेजर बन जाए। जुन कहता है कि उसे जरूरत नहीं है। इधर योंग सॉन्ग का वेट कर रहा था तभी जुन और सॉन्ग वहां आ जाते हैं। जुन कहता है कि वो वहां रुकने के लिए नहीं आया है लेकिन सॉन्ग को वो जल्दी घर भेज दे, इतना कहकर जुन चला जाता है। योंग वहां सॉन्ग को एक राइड दिखाता है जहाँ सॉन्ग को याद आता है कि अक्सर वो अपने बर्थडे पर डैड के साथ वहाँ आया करती थी। सॉन्ग उसे कहती है कि वो सॉन्ग के बारे में काफी कुछ जानता है। फिर योंग सॉन्ग को अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है और वो लोग उस राइड में जाते हैं जिसे जुन भी देख और सुन रहा होता है। वहीं जुन को फ्लैशबैक सीन याद आता है जिसमें वो और सॉन्ग उन लोगों से अपना जान बचाने के लिए भाग रहे थे और भागते हुए वो दोनों एक किनारे पर आ पहुंचते हैं। फिर सॉन्ग जुन को एक पेन निकाल कर देती है जो उसे उसकी ग्रैंडमा ने दिया था और कहा था कि जब भी वो किसी अपने से दूर जाने वाली होगी तो वो उसे ये पेन दे दे ताकि वो इंसान हमेशा उसे याद रखे। सॉन्ग कहती है कि मरने के बाद भी वो जुन को नहीं भुला पाएगी। इतने में सिपाही भी वहां आ जाते हैं। जुन उन्हें अपनी पावर से रोकता है लेकिन कुछ सिपाही एक साथ तीर चला देते हैं जहां सॉन्ग जुन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और तीर उसे लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है, जिस पर जुन फूट फूट कर रोता है। प्रेजेंट में जुन कह रहा होता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि जो लड़की खुद से ज्यादा उसे प्यार करती है उसे दूर चली जाएगी। इधर राइड में सॉन्ग योंग को वहां लाने के लिए थैंक्स बोलती है और योंग फिर से उसे प्रपोज करता है। योंग कहता है कि उसे अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, वो सोचकर उसे जवाब दे सकती है, लेकिन सॉन्ग कहती है कि वो अभी जवाब देगी। जुन राइड की तरफ देखता है और टाइम फ्रीज कर देता है और कहता है कि जिंदगी में तकलीफ देने वाले पल रुक जाने चाहिए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।